और इस बीच जेलेंस्की के लिए दूसरी टेंशन आ चुकी है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पुतिन की मदद करने के लिए 50,000 कमांडो ही नहीं बल्कि अब 5 लाख की फौज तैयार है। ये सेना जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। ये ऐसी फोर्स है जिससे बाइडेन भी घबराते हैं। रूस के बाहर रूस के लिए सेना का एक विशेष भर्ती अभियान। यूक्रेन के युद्ध में 5 लाख नए लड़ाके आने वाले हैं। ऐसे लड़ाके जो पल भर में दुश्मन की पूरी पलटन का काम तमाम कर सकते हैं। ऐसे 5 लाख नए जवान यूक्रेन में लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे 5 लाख नए जवान पुतिन की ताकत बढ़ाने आ रहे हैं। ऐसे 5 लाख नए जवान जेलेंस्की की सेना के जान के दुश्मन बन यूक्रेन आ रहे हैं। पांच लाख नए जवान पुतिन को अप्रैल में ही जीत दिलाएंगे। पांच लाख नए सैनिक ना ईरान भेजेगा ना सीरिया, ना पुतिन के दोस्त शी जिनपिंग ही भेजने जा रहे हैं। पांच लाख नए सैनिक पुतिन के दोस्त किम जोंग उन के देश उत्तर कोरिया से आने वाले हैं। उत्तर कोरिया के 5 लाख सैनिक पुतिन के लिए यूक्रेन में युद्ध लड़ेंगे। इसके लिए वहां के शासक किम जोंग उन ने एक प्लान तैयार किया है। रूस की मीडिया का दावा हैरान करने वाला है। रूस के पत्रकार अलेक्जेंडर स्लादको का दावा है कि उत्तर कोरिया की सेना के 5 लाख सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए बेकरार हैं और इसे लेकर किम जोंग उन भी पॉजिटिव हैं। किम जोंग उन के सीक्रेट प्लान के तहत उन लोगों को हथियार थमाकर यूक्रेन भेजा जाएगा जो खुद उत्तर कोरिया की सेना में शामिल होना चाहते हैं। असल में पिछले दिनों उत्तर कोरिया में करीब 8 लाख लोगों ने खुद सेना में शामिल होने की इच्छा जताई है। इससे पहले अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर पर्दे के पीछे से रूस को हथियार देने का आरोप लगाया था। इसके लिए उत्तर कोरिया को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। हालांकि तब उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार देने की खबरों को गलत बताया था, लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के 5 लाख सैनिक रूस के समर्थन में यूक्रेन में उतरने वाले हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है, जिसे दूर करने के लिए रूस उत्तर कोरिया के साथ अनाज के बदले हथियारों की डील करने की तैयारी में है। अमेरिका का दावा है कि रूस को हथियारों की जरूरत है तो उत्तर कोरिया में भी अनाज की भारी किल्लत है और रूस इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में है। रूस खुद उत्तर कोरिया को हथियारों के बदले अनाज देने का ऑफर देगा और इसके लिए रूस के अधिकारी उत्तर कोरिया जाने वाले हैं। रूस के मीडिया की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया और रूस में यूक्रेन के खिलाफ ऐसा गठबंधन हुआ है जो ईरान से हुई पार्टनरशिप से भी मजबूत कहा जा रहा है। रूस की मीडिया ने दावा किया है कि सैनिकों के अलावा किम जोंग उन ने पुतिन की मदद करने के लिए 50,000 कमांडो यूक्रेन भेजने का ऑर्डर जारी कर दिया है। ये कमांडो फोर्स हर उस मोर्चे पर ऑपरेशन करेगी जहां जेलेंस्की ने पुतिन को परेशान कर दिया है।
अब उत्तर कोरिया के कमांडोज कैसे हैं? इनकी ट्रेनिंग देखिए। ये है उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और यहाँ इन कमांडो की ताकत देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। 3 कमांडो टाइल्स तोड़ने के लिए बैठे हैं। पहले कमांडो के हाथ पर दूसरा कमांडो हथौड़ा मारता है, टाइल्स टूट जाती है। फिर दूसरे कमांडो के हाथ पर हथौड़ा मारा जाता है, टाइल्स टूट कर बिखर जाती है। फिर तीसरे कमांडो के हाथ पर हथौड़ा मारा जाता है, टाइल्स टूट जाती है। अब देखिए चौथा कमांडो। ये कमांडो कीलों के बिस्तर पर लेट जाता है, जोश बहुत ज्यादा है। इसकी हिम्मत देखकर किम जोंग उन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता। फिर कमांडो नंबर 4 के पेट पर रखे गए पत्थर को हथौड़े का तेज वार तोड़ देता है। ये देखकर खूब तालियां बजती। फिर कमांडो नंबर 5 और खतरनाक स्टंट करता है। वो कीलों के ऊपर लेटता है और फिर उसके जिस्म पर लोहे की कटार और उस पर रखा जाता है पत्थर, जिसे फिर हथौड़े की मार से तोड़ दिया जाता है। कमांडो नंबर 6 सिर पर 2 ईंट रखता है और उस पर भी हथौड़े से बड़ा प्रहार होता है। कमांडो नंबर 7 और 8 अपने गलों के बीच में लोहे की सलाख रखकर उसे मोड़ देते हैं। खूब तालियां बजती हैं। ये सब कुछ किम जोंग उन देखकर डरा डरा सा नजर आता है। फिर कमांडो नंबर 9 आता है और लोहे की जंजीर तोड़कर दिखाता है कि उसे कैद करना भी आसान नहीं होगा। वो यहीं नहीं रुकता। कमांडो नंबर 9 शीशे की बोतलें तोड़कर कांच के टुकड़ों पर लेट जाता है। इस पर खूब तालियां बजती हैं। किम जोंग ये देखकर भी सहमा सहमा सा नजर आता है। इसके बाद कमांडो नंबर 9 एक और स्टंट करता है। कांच के टुकड़ों पर लेटे इस कमांडो के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है और फिर उसे हथौड़े का एक बड़ा वार करके तोड़ दिया जाता है। ये देखकर किम जोंग उन फूला नहीं समाता और तालियां बजाकर अपनी कमांडो फोर्स की तारीफ करता है। अगला स्टंट होने वाला है ये दिखाने के लिए कि एक कमांडो ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जाता है। इसे देखकर किम जोंग उन अब ठहाके मारकर तालियां बजाने लगता है। कमांडो नंबर 10 और 11 एक दूसरे पर चाकू से वार करते हैं। ये देखकर किम सहम जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि चाकू से उसके कमांडो कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। उत्तर कोरिया के यही कमांडो अब पुतिन की मदद करने के लिए यूक्रेन जाने के लिए तैयार है। रूस का मीडिया ऐसे दावे कर रहा है। रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों पर अमेरिका और जापान की कड़ी नजर रही है। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की सीक्रेट पार्टनरशिप को हमेशा संदिग्ध नजरों से देखा जाता रहा है। अगर उत्तर कोरिया की फोर्स का बड़ा हिस्सा यूक्रेन पहुंचा तो ज़ेलेंस्की की फौज के लिए भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। बखमूत और ज़ापोरिज़्या में पुतिन की फौज ने पहले ही यूक्रेन की सेना की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब खेरसोन और खार्कियों के मोर्चों पर दबाव बढ़ाने के साथ रूस को उत्तर कोरिया वाली मदद भी मिल सकती है। ये तस्वीर 25 अप्रैल 2019 की है, जब किम जोंग उन ने पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तोक का दौरा किया था। यहाँ वो व्लादिमीर पुतिन से मिला था। इससे जाहिर होता है कि पुतिन और किम जोंग उन अमेरिका और नाटो के खिलाफ कभी भी हाथ मिला सकते हैं। पुतिन हमेशा उत्तर कोरिया पर ज्यादा पाबंदियां लगाने के खिलाफ रहे हैं और उत्तर कोरिया 50,000 कमांडो यूक्रेन भेजकर पुतिन से कहना चाहता है कि किम जोंग उन उनके साथ है। शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद चीन को लेकर पुतिन का जोश पहले से बढ़ गया है।